अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, खैरियत से तबीयत सही है। मैं आपका भाई साहब ले जा आज एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ। उम्मीद है यह वीडियो आप पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मैं आज आपको एक महंगी तरीन खुराक बताऊँगा जिसमें आपका इतना खर्चा आएगा कि आप अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले बताता था कि सस्ती खुराक खिलाती थी लोगों को, कुदरती चीज़ें खिलाते, आज को बताता हूँ महंगी खुराक। ठीक है, खुराक क्या है, उसके फ़ायदे उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये वीट ग्रास है, यानी कि गंद वाला है, गंद घास पट्ठा जो होते हैं बकरियाँ खाती है। आम जो हम जाते हैं जंगल वगैरह, तो इस पर हमारी आँख तक नहीं पड़ती कि है क्या भला। तो ये समझे कि मटर पीज है, एक बड़े मटर होते हैं, ये छोटी मटर है। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये वीट ग्रास है। ठीक है, पीज हैं, इसको घास कहा जाता है। आम कोई भी नहीं इस चीज़ को देखता कि ये चीज़ है क्या। जंगल जाएं, अपने तितरों को ये खिलाएं, आपका खर्चा ऐसे समझो कि 100 पैसा 10 पैसा तक भी नहीं आना आपका खर्चा। इसमें तितर की टांगें मजबूत होती हैं, तितर बहादुर बनता है, इसमें इतनी की ताकत है ना, तितर का दिल बड़ा होता है, तितर की टांगें मजबूत होती है, तितर का जो है इतनी एक खिलाएं। कभी गंदम के दाने खिला दें तितर को, जंगल गए गंदम के दाने खिला दिए, ये खिला दिया। इसके देखें छोटे छोटे बारीक जो पत्ते हैं, जो ये जो छोटे छोटे बारीक पत्ते हैं इसके, ये भी खिलाएं। जी तो भाई, इसमें एक फूल भी होते हैं, इसको जब आप गौर से देखेंगे, जंगल में जाके देखेंगे, इसमें फूल भी थे पर मैं तोड़ के लाया हूँ घर, तो वो अभी फूल झड़ गए, इसे गिर गए। इसमें एक पर्पल कलर के जैसे बैंगनी कलर में छोटे छोटे फूल भी होते, पिक्चर भी आपको शोर हो रही होगी, पिक्चर भी आप देख लें, तो वो फूल भी खिलाएं, इसके पत्ते खिलाएं, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई जो भी वीडियो बनाएं, कुछ भी वीडियो देखें, उसका फ़ायदा उठाएं, खर्चा ज़्यादा ना करें, ज़्यादा महंगी खुराकें ना दें, तितरों को कुदरती चीज़ें खिलाएं, तितर मस्तियाँ बनाएंगे, ये चीज़ खिलाने से तितर मस्त होता है, बहादुरी आती है उसमें, जान आती है उसमें, चुस्ती आती है। ये चीज़ें लाजमी खिलाएं अपने तितरों को, पूरी तरह गौर से आप इसके पत्ते देख लें, इसकी जो है जड़े ये देख लें, इसनुमा होती है, ये बड़ी बनती है। अभी ये छोटा पौधा था, मैं आपके लिए ये ले गया, हमें तो इसका पता है, आपको कोई इसका फ़ायदा मिले। ये पूरी तरह इसका शेप देख लें, इसकी ये डलियां देख लें, तो ये चीज़ें लाजमी अपने तितरों को खिलाएं, ज़्यादा खर्चा ना करें, महंगी खुराकों पर ना जाएँ, ज़्यादा जो डॉक्टरी ना करें, कुदरती चीज़ें खिलाएं, डेली मिट्टी दें तितर को, और डेली तितर को मिट्टी दें, तितरों को डेली पानी दें। अभी मौसम ऐसा आ गया है, पानी देंगे तितर में चुस्ती आएगी, पानी के बगैर तितर सोकेड़ा कर जाता है, पानी लाजमी दिया करें। अब सर्दियों में भी लाजमी दिया जाता है एक दो दफ़ा, पर अब पानी तितर को, थोड़ी जैसे गर्मी आए तितर को पानी पड़ा रहे, थोड़ी गर्मी आएगी, मिट्टी का बर्तन लगाएं, उसमें मिट्टी की कौली लगा के उसमें पानी डालें, फिर देखें आपका तितर क्यों नहीं बोलते यार, बोलेंगे धड़ा धड़ बोलेंगे। उनमें भी कमाल राज है, कुदरती जो चीज़ें अल्लाह पाक ने पैदा की ना, उसमें कोई ना कोई हिकमत है। हम पूरा निचोड़ निकलते हैं, पूरी डॉक्टरी करते हैं उस चीज़ पे, अपने तितरों पे आजमाते हैं, उसके बाद आप भाइयों को मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, बताएं हमेशा ऐसी चीज़ जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, फायदा ही फायदा हो, कोई भी सच नहीं बताता है। मेरी हमेशा से कोशिश आई है कि मैं अल्लाह पाक से डरता हूँ कि चीज़ वो बताऊँ जो खुद आजमाए। ठीक है, कल को मैं मर जाता हूँ, खुदा ना करे, जाना तो हर इंसान है ना, दुनिया फानी है, मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से, कोई बड़ा उस्ताद भी नहीं हूँ। बहरहाल ये जो मेरे वीडियोज़ हैं, ये जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उनके जो बेनिफिट्स हैं, तो आप कयामत जो भी भाई देखेगा उसको बेनिफिट्स, उसको फ़ायदा मिलेगा। ये आम
लोग देखेंगे तो ग्रास है, ये घास है, पट्टा है, बकरियों के लिए लोग कर दे। ये हमेशा आपको मिलेगा किस जगह पे, पानी की जो नाली होती है जहाँ से पानी क्रॉस करना है, उस पर आप गौर से देखेंगे भरतलपुटी भी आपको नाली के किनारों से मिलेगी, पानी वाली नाली जो होती है, और यह चीज़ भी वहाँ पे आपको मिलेगी। अभी इसका सीज़न है, जिस चीज़ का सीज़न आए उस चीज़ को उस सीज़न में अपने तितरों को ज़रूर खिलाएं। और आज के लिए तो इतना ही था, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, और जो दोस्त अभी नए हैं प्लीज़ भाई सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।